पहली बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, पहली बार यज्ञ भी हो रहा है, पहली बार राज्यपाल भी आ रहे हैं और पहली बार इतने सारे केंद्रीय मंत्री भी आए हैं। लेकिन पवन सिंह का नाम है कि भाई पवन सिंह आएंगे तो पावर स्टार बोले जाए, पावर स्टार। सब लोगों को एकदम साधारण आमंत्रण है, सब लोग आए। और चूंकि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर राज स्वामी जी आ रहे हैं, मंत्री तो बहुत हैं, लेकिन देश में अब राजनाथ सिंह का बड़ा नाम लिया जाता है, आपके देश में अमित शाह का नाम लिया जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है, तो वो विशेष है। चलिए, मेरे साथ सत्य प्रकाश सिंह है मौजूद, जो कि इन्हीं के द्वारा यहाँ जग किया जा रहा है, ये इन्हीं का दिन है। बड़े सौभाग्य भाग की बात होता है कि ऐसे ऐसे हाथ से इतने बड़े काम लोग करते हैं। आज के डेट में सबको सौभाग्य ये प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले स्वागत है गंगा देवी। हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा हो रहा है, हम जरूर मुख्य रूप से हैं, लेकिन इसमें सब लोगों की सहभागिता है, संपूर्ण पूरे गांव का, सब लोगों का सहयोग है। लेकिन सबसे ज्यादा आप ही का है सर, सब लोग बोल, मतलब वो है, लेकिन बिना सब लोग के सहमति के, बिना सब लोग के सहयोग के कोई भी धार्मिक कार्य नहीं संपन्न होता है। तो सब लोगों का सहयोग है, हर तरीके से सब लोगों का सहयोग है। कैसे ख्याल आया सर कि हम जग कराएं अपने गांव में? बहुत कम लोग आजकल मतलब कि रहते हैं पूजा पाठ में, आज आज के दौर में सर। ये ख्याल मतलब हमें नहीं आया, गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पे कभी यज्ञ नहीं हुआ, तो सब लोगों ने डिसाइड किया, गांव के लोगों ने, कि नहीं यज्ञ होना चाहिए। फिर हम लोगों ने यज्ञ की तैयारी शुरू की, हम लोगों ने पता किया कि भाई कोई अच्छे संत से यज्ञ कराया जाए। तो हम लोग श्री त्रिदंडी स्वामी के शिष्य हैं, स्वामी सुंदर राज स्वामी जी, तो हम लोग उनसे बात किए तो यज्ञ के लिए तैयार हुए। हम लोग के गांव में कभी यज्ञ हुआ नहीं है, जो जितने लोग यहाँ हैं अभी उनके अनुसार, तो इस तरीके से यज्ञ का नींव पड़ा कि भाई यज्ञ होना चाहिए, तो इसी हिसाब से यज्ञ शुरू हुआ। लेकिन आपके हाथों से सौभाग्य लिखा था कि जो कि गांव में ये पहली बार मतलब यज्ञ हो रहा है। नहीं, ये सब माता का कृपा है, माँ जो काली सामने दिख रही है, माँ सिद्धेश्वरी जो है, वो उनका सब देन है, उन्हीं उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है माध्यम है। अच्छा सर, अभी यहाँ पे अभी कुछ व्यवस्था नहीं है सर, कब तक कम्प्लीट? नहीं, सारी व्यवस्था है, सब कुछ का टाइम होता है। अभी उंडाल जो लगना, उंडाल उंडाल कल से लगना शुरू हो जाएगा, 28 अप्रैल से 3 बजे तक का कार्यक्रम है। तो अभी सभी लोग, गांव के सभी लोग लग भीड़ कर, जितना सफाई हो सकता था सारा सफाई हुआ, सारा काम हो रहा है। मंदिर का भी निर्माण आप देख रहे हैं कि जोर शोर से चल रहा है, और जो भी लगना है अभी टेंट वगैरह, देखिए आप देखिए टेंट वेंट सब लग रहा है चारों तरफ। वहाँ कैमरा मैन से चाहूंगा दिखा दीजिए, ये है साधु संत के रहने की व्यवस्था, ये हमारा यज्ञशाला बन के रेडी है। के बाद फिर वो पीछे में जो आप देख रहे हैं वहाँ खाना का है, इधर हम लोग का पंडाल लगेगा, उधर मेला लगेगा, उधर चूंकि माननीय राज्यपाल जी आ रहे हैं कार्यक्रम में, और स्वामी राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, देश के इतने बड़े संत हैं, तो उनका इस धरती पे, पावन धरती पे आगमन है, तो हम लोग सब लोग खुश हैं, उनका स्वागत है, तो उनकी तैयारी उधर हो रही है। तो यहाँ पे हेलीपैड भी बनेगा? हाँ, 2 हेलीपैड बनेगा, और उधर ही बनेगा हेलीपैड, उसका भी जगह अभी कल SDO साहब आने वाले हैं, तो चिन्हित करेंगे जगह को, फिर उसकी तैयारी होगी। और कौन कौन से लोग आ रहे थे? नहीं, कई केंद्रीय मंत्री आएंगे, जैसे हमारे आरा के जो सांसद हैं माननीय आर के सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो रहेंगे, अश्विनी चौबे जी रहेंगे, राज्य सरकार से लेसी सिंह जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं वो रहेंगी, आपके अशोक चौधरी जी भवन निर्माण मंत्री हैं वो रहेंगे, नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं वो रहेंगे, काफी सारे महाराजगंज के सांसद हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हम लोग के गार्जियन भी हैं, वो भी जलभरी के दिन से ही वो रहेंगे, तो कई सारे सांसद विधायक हमारे क्षेत्रीय और जो आसपास के हैं बिहार के, सब लोग आएंगे। चलिए, बहुत बड़े पैमाने पे जग हो रहा है, और मैं कहूंगा कि इतने से कम एज में सर कैसे ये सब ख्याल आया? मैं फिर कह रहा हूँ कि मतलब ये सब खुद पे खुद ही खुद हो रहा है, मतलब लेकिन युवा लोग आजकल के आगे चढ़ बढ़ के नहीं आते, तो क्या संदेश? ये गलत है, ये हमारे गाँव के जितने युवा है ये सब एक पैर पे, ये युवा का ही देन है, जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं ये सब युवा का ही देन है, सारे युवा बढ़ चढ़ के लगे हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी तो लग रहे हैं ना सर, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है और गांव में कहीं ताश खेलो, कुछ ये करो वो करो, लेकिन धार्मिक कामों में बहुत कम देखा जा रहा आज के डेट में युवा को। देखिए क्या है कि हमारे गांव में भी कई गांव में रोजगार की कमी है, तो लोग क्या करेंगे, बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो ये तो चलता रहता है हर जगह पूरे देश में, जहाँ भी बेरोजगारी वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे गांव में इस तरह के कुछ विशेष टाइप से, इस टाइप से नहीं है कि कोई है, लेकिन कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है, तो गांव के सारे लोग जुट कर उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अच्छा सर, देख रहे हैं जितने युवा आपको, जितने उनको क्या संदेश देंगे सर? देखिए, हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि सब कार्य करिए, जो कार्य कर रहे हैं आप वो करिए, लेकिन एक कहावत है ना कि जब तक आप विशेष नहीं करिएगा तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। अब जैसे गायकी में ही देख ले, गायक तो बहुत हैं, लेकिन पवन सिंह का नाम है कि भाई पवन सिंह आएंगे तो पावर स्टार बोले जाए, पावर स्टार।
तो उसी तरीके से मंत्री तो बहुत है, लेकिन देश में अब राजनाथ सिंह का बड़ा नाम लिया जाता है, आपके देश में अमित शाह का नाम लिया जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है, तो वो विशेष है। तो उसी तरीके से नेता तो बहुत है लेकिन वो विशेष है। और यही कह रहा है कि छोटे से जगह में भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे देश में पूरे राज्य में अगर आप नाम नहीं रोशन कर पा रहे हैं तो लेकिन अपने वार्ड में कम से कम नाम रोशन करिए, अपने गांव में कम से कम नाम रोशन करिए, ऐसा कार्य करिए समाज के लिए। ऐसा नहीं कि समाज के लिए आपको बाहर जाके ही कुछ करना है, हमारे गाँव में भी ऐसे कई सामाजिक कार्य हैं जिसके युवा चाहेंगे तो उसको विशेष करेंगे। जैसे आज देखिए पद्मश्री जो मिलता है, जो राष्ट्रपति महोदया देती हैं पद्मश्री, अभी जो दी है अभी जितने लोगों को, जैसे आनंद कुमार जी सुपर 30 के, उनको मिला, कई ऐसी महिलाओं को जिनको हम लोग जानते तक नहीं थे, सुदूर क्षेत्र में हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में सुदूर क्षेत्र में क्या तो जैविक खेती करती थी, इस पद्धति से करती थी, इस तरीके से करती थी, तो आज उनको पद्मश्री मिले। तो काम ऐसा करिए कि नाम हो, इतिहास लिखा जा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करके, और जितने जग में मतलब आना चाहें क्या कहेंगे अपने जनता को पूरे सब सब लोगों को एकदम साधारण आमंत्रण है, सब लोग आए। और चूंकि राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, सुंदर राज स्वामी जी आ रहे हैं, और भी देश के काशी से, मथुरा से, वृंदावन से, सभी जगह से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, सबका सानिध्य मिले, आप लोग आए, सब लोग भजन, क्योंकि प्रत्येक दिन शाम में भजन का भी कार्यक्रम है। हम लोग राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत निकुंज धाम का रासलीला को भी मंगवाए हैं ताकि रासलीला का भी आप आनंद लें। बहुत निकुंज धाम जो रासलीला है वो बहुत फेमस है देश में, इधर पूरे भोजपुर इलाका में कभी रासलीला जो है निकुंज धाम का नहीं हुआ। तो ये ऐतिहासिक, और इस गांव के लिए बहुत ऐतिहासिक बात ये है कि पहली बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा है, पहली बार यज्ञ भी हो रहा है, पहली बार राज्यपाल भी आ रहे हैं, और पहली बार इतने सारे केंद्रीय मंत्री भी आए हैं। ये सब में ऐतिहासिक है, सब ऐतिहासिक, हेलीकॉप्टर भी पहली बार आएगा, तो ये बहुत मतलब ये पवन सिंह भी आ रहे हैं हमारे यहाँ 3 तारीख को, तो हम तो सभी को कहेंगे कि सब लोग आए और आनंद उठाएं। पवन सिंह, राकेश मिश्रा, मोहन राठौर, सब लोग आ रहे हैं, बिल्कुल 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 सब। चलिए वो लोग भी मेरे मित्र हैं, हमेशा बात होता है, कॉल से बात हुआ है। चलिए चलते चलते काली मैया की, चलिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। अल्लभुआनी भोजपुर गढ़ानी गांव में एक बार जरूर आइए और यहां के जग और प्रवचन का आनंद लीजिए। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार आरा, अल्लभुआनी बिहार।